को गलत तरह के फोटो भेजने शुरू कर दिए और बच्चों को बड़ा बुरा लगा कि अंकल ये गंदी फोटो क्यों भेजने लग गए, लेकिन वो डिलीट कर देते थे। एक दिन अंकल ने कहा कि बच्चों अपने घर से 2-2 हज़ार रुपए लेके आना। उन्होंने कहा कि अंकल हमारे पास इतने रुपए कहाँ से आएंगे। उन्होंने कहा अपनी मम्मी के पर्स से निकाल लाना, क्योंकि तुम्हें पता होगा तुम्हारी मम्मी पर्स कहाँ रखती है। अब आप सोचिए ये सब हम में से किसी के घर में भी हो सकता है। छोटे बच्चे हमारा मोबाइल नंबर किसी को भी दे सकते हैं, छोटे बच्चे को ये पता होता है कि हम पर्स कहाँ रखते हैं। तो छोटे बच्चों ने कहा कि नहीं अंकल हम चोरी नहीं करेंगे, हम तो मम्मी के पर्स से पैसे निकाल के नहीं लाएंगे। अब वो कहता है कि अगर तुम अपनी मम्मी के पर्स से 2-2 हज़ार रुपए निकाल के नहीं लाए तो मैं तुम्हारी मम्मी को और स्कूल में तुम्हारी टीचर को ये बताऊंगा कि तुम गंदी फोटो देखते थे। अब आप सोच के देखिए कि उसने कितने तरीके से बच्चों को अपने जाल में फंसा लिया। अब वो 5, 6, 7 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो बेचारे कितने टेंशन में आ गए होंगे, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि अगर किसी बच्चे को ये कह दिया जाए ना कि मैं इस बात के बारे में घर में तुम्हारी मम्मी को और स्कूल में तुम्हारी टीचर को बता दूंगा, तो छोटा बच्चा जाल में बहुत आराम से फंस सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के साथ ये मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट, लैपटॉप के जरिए कोई गलत मैसेज भेज के या दिखा के उसके साथ गलत हरकत ना कर ले। डू नॉट फॉल इन ट्रैप ऑफ न्यू गैजेट्स और गेम्स और एप्स, क्योंकि हमारी एज के हिसाब से डिसाइड किया गया है कि हम कौन सी उम्र में क्या देख सकते हैं, क्या शेयर कर सकते हैं। और छोटे बच्चों को भी मैं कहना चाहूंगा, बेटा आपको मम्मी पापा की बात माननी चाहिए। मम्मी पापा जब आपको कहते हैं ना कि बेटा इतना ज्यादा मोबाइल मत देखो, इतना ज्यादा आप लोग मैसेज वगैरह मत किया करो, किसी को नंबर मत दिया करो, तो आप सुनते नहीं थे इस बात को। लेकिन बेटा आप सोचो उन बच्चों के साथ कितना बुरा हुआ होगा जिनको उन कंडक्टर अंकल ने अपने तरीके से फंसा लिया। तो आपको भी बेटा कोई अंकल देखने में अच्छे लग सकते हैं, लेकिन वो आदमी कभी ना कभी घर में कोई गलत हरकत कर सकता है। मैं आप लोगों को एक चीज के लिए और सावधान करना चाहता हूँ। आजकल हमारे घरों में अमेजन से, फ्लिपकार्ट से या दूसरे कई वेबसाइट से पैकेट आते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, ऑनलाइन शॉपिंग करनी पड़ती है। और अब आजकल कोरोना के दिनों में तो ऑनलाइन शॉपिंग हमारी मजबूरी भी है। लेकिन मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए आपने अमेजन से कोई सामान मंगाया और आप उस दिन, आप तो ऑफिस चले गए क्योंकि आप तो घर के मेल हैं, पुरुष हैं, आप तो अपनी दुकान पे चले गए, बिजनेस पे चले गए। लेडी मान लीजिए कहीं मंदिर चली गई या दूसरे ही घर में चली गई किसी से मिलने के लिए, और बच्चा घर पे अकेला है। ऐसे में वो पैकेट आ गया। अब आप कहेंगे कि पैकेट तो घर पे आते रहते हैं, लेकिन आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि अगर एक दिन ऐसा पैकेट आ गया जिसका आपने ऑर्डर ही नहीं किया था, फिर क्या होगा? क्योंकि हम लोग जब अमेजन से, फ्लिपकार्ट से या किसी भी ऐप से कोई सामान मंगाते हैं तो हम सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं कि हम घर पे नहीं बताते कि आज मेरा पैकेट आ सकता है, जबकि वो सवेरे मैसेज भी करते हैं आपको कि शायद आज आपका पैकेट आएगा या कल आपका पैकेट आएगा। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आपने अपने घरों पे कैमरे लगा दिए। अरे साहब मेरे घर पे तो सीसीटीवी लगे हुए हैं चार चार। आपके घर पे सीसीटीवी कैमरा तो लगा हुआ है, लेकिन वो सीसीटीवी कैमरा तो अनजान व्यक्ति के लिए है। आपने हमारे जयपुर में तो जोमैटो, स्विगी, इनसे बच्चे खाना भी मंगाते हैं अपने आप ऑर्डर करके। तो होता क्या है कि कोई पता नहीं है, आपकी अब्सेंस में अगर बच्चा कोई सामान लेने के लिए दरवाजे पे गया या वो व्यक्ति घर के अंदर आ गया तो किस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ सामान मंगवाने से, मैं आप लोगों को सावधानी बरतने की राय दे रहा हूँ कि घर में अगर कोई सामान का पैकेट आना है तो घर के मेंबर्स को पता होना चाहिए, ताकि उनको ध्यान रहे कि आज कोई पैकेट आएगा तो ही उस व्यक्ति से बात करनी है, नहीं तो बाहर से उस व्यक्ति को लौटाना ठीक रहे। ये बात हम में से बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, और मैं सही कह रहा हूँ, घटना होने के बाद हम सारे लोग इस बात को बड़े जल्दी समझ लेंगे कि हाँ यार इस तरह की बात जो है ये तो सही बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चे जब इस प्रकार की किसी हरकत का शिकार हो रहे होते हैं तो आपको एक बात पे ध्यान करना पड़ेगा कि आपके बच्चे के चेहरे पे और उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आते हैं। एक अच्छे माँ बाप के तौर पर आप याद रखिएगा, आप जरा ध्यान से इस स्लाइड को देखिए, अगर आपके बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार हो रहा होता है तो वो खुश रहते हैं, चुलबुले रहते हैं, मस्त रहते हैं। लेकिन जब उनके साथ कोई आसपास का इंसान गलत हरकत करना शुरू कर देता है तो आपको बच्चों में तीन प्रकार के व्यवहार नजर आ सकते हैं। क्योंकि कई बच्चों को शब्दों में अपनी बात बतानी नहीं आती है, अपराधी उनको धमका देता है कि अगर तुमने बताया तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा को नुकसान पहुंचाऊंगा।
उनको ये भी डर होता है कि अगर मैंने मम्मी पापा को ये बात बताई तो शायद मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे, या मुझे घर से निकाल देंगे, या मुझे कमरे में बंद कर देंगे, या मुझे मारेंगे पीटेंगे। बेचारा बच्चा पहले तो एक आदमी की गलत हरकत का शिकार, ऊपर से उसको मम्मी पापा से डर लगता है। मैं जानता हूं आप सारे मम्मी पापा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, आप उनको अपना सब कुछ देना चाहते हैं, आप उनको दुनिया की हर खुशी दे रहे हो, जो आपको और मेरे को नहीं मिला आप वो भी उनको देना चाह रहे हो। लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, हम ये सारी चीजें तो उनको देना चाहते हैं, ये सारा सामान तो हम उनको देना चाहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा सम्मान भी दीजिए, सम्मान, ऑनर, रिस्पेक्ट। बच्चे को भी ऑनर रिस्पेक्ट दीजिए। जब बच्चा आपको आके बताता है कि मेरे साथ फलाने अंकल ने, फलाने आंटी ने, फलाने भैया दीदी ने गलत हरकत की है, तो उस बेचारे की बात को सुनिए। हम ये सुनते ही आग बबूला हो जाते हैं, गंदी बात कर रहे हो, ऐसी बात नहीं किया करते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बच्चे के व्यवहार को देखिए, अगर अब वो बैड फील करने लगा है, अगर वो कमरे में बंद रहने लगा है, पहले वो स्कूल में बहुत अच्छा रहता था, अब स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस गिर रही है, अगर अब वो नाराज नाराज सा रहता है, अगर वो चिड़चिड़ा रहने लग गया है, अगर वो छोटी छोटी बातों पर नाराज होने लगा है, यदि वो बहुत जल्दी सेंटिमेंटल हो जाता है, तो कृपया करके ये देखिए कि आपका बच्चा इन दिनों मोबाइल पर क्या देख रहा है, या पड़ोस अड़ोस में किस व्यक्ति से ज्यादा मिल रहा है। विश्वास मानिए, समझदार माँ बाप वही हैं जो इन चीजों को समझ लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मेरी जो बात है आपको समझ में आई होगी कि भाई बच्चे के व्यवहार में आने वाले चेंज को आप जरूर देखेंगे। अब अगला सवाल जो आता है कि अगर कोई हमारा रिश्तेदार, हमारा कोई घर में काम करने वाला व्यक्ति, हमारा कोई अड़ोसी पड़ोसी हमारी अब्सेंस में, हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हुए कोई बच्चे को पकड़ लेता है और बैड हरकत करने की कोशिश करता है, तो बच्चों को क्या सिखाना है? हमें बच्चों को जूडो कराटे सिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आप सिखाएं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 5 साल का बच्चे कहेगा जूडो कराटे चलाएगा? 5 साल का बच्चा तो हड्डियां इतनी कमजोर होती हैं कि अगर वो इस इंसान को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो इंसान उल्टा उसको नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए मैं आपको ये राय दूंगा कि छोटे बच्चों को, 8-9 साल तक के बच्चों को, तो आप लोगों को मेरी ये जो मैं अगली स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ ये सिखाइए। सबसे पहले आप अपने बच्चों को ये सिखाइए कि बेटा जैसे ही तुम्हें ये अनुमान होता है, तुम्हें ये अंदाजा होने लगता है, तुम्हारे अंदर से ये फीलिंग आने लगती है कि ये अंकल आंटी मेरे साथ गलत हरकत करने वाले हैं, शाउट नो लाउडली। हम बचपन से बच्चों को कहते आए हैं चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, लेकिन ये स्लाइड में मैं कहूंगा कि अगर आपके साथ बैड टच होने वाला है, कोई व्यक्ति आपको गलत इंटेंशन से पकड़ लिया है किसी ने, तो आप अगर जोर से नो चिल्लाएंगे तो नो की जो आवाज है वो बहुत गूंजती है, और बच्चों को चिल्लाना आता है, उनकी आवाज तेज होती है, फ्रिल होती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज उन बच्चों को कहिए कि पहला काम वो ये कर सकते हैं कि उस इंसान के इरादे को अगर फेल करना है, शाउट नो लाउडली, और दूसरा काम ये करना है उस आदमी से, उस जगह से तेजी से भाग जाइए। बच्चे ये काम कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कत ये होती है कि जब वो हमारे आसपास का इंसान जिसपे बच्चे को फेथ था, वो उस बच्चे के विश्वास को तोड़ने की कोशिश करता है, तो बच्चा घबराहट में अपने होश आवाज खोने लगता है। तो ये नो चिल्लाना और वहां से भाग जाना देखने में जितना आसान लगता है, एक्चुअल में ये इतने आसानी से हो नहीं पाता। इसीलिए अपने बच्चों को प्रेरित करिए कि वो ये काम करें कि वो जोर से नो चिल्लाएं, उस जगह से भाग जाएं, और नंबर 3, वो जाके किसी विश्वसनीय व्यक्ति को ये बात बताएं, वो जाके किसी विश्वसनीय व्यक्ति को ये बात बताएं। बच्चे क्या करते हैं, नो भी चिल्ला देते हैं, भाग भी जाते हैं, लेकिन डर के मारे किसी को बता नहीं पाते, ये हमारी कमी है। अब उन बच्चों को अगर आप ये कह देना, आज अगर मैं दावे से कहता हूं, जो भी घर मुझे सुन रहे हैं, 300 से ज्यादा घर मुझे सुन रहे हैं मेरे ख्याल से, वो सारे घर के मेंबर को आज मैं एक बात कहता हूं, अपने बच्चे को अपने पास बिठाइए, उसको ये बात बताइए और उसे विश्वास दिलाइए कि बेटा अगर कोई अंकल आंटी भैया दीदी तुम्हारे साथ जिंदगी में गलत हरकत करे, चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमें बताना, हम तुम्हें घर से दूर कर देंगे। मतलब उस आदमी को घर से दूर कर देंगे, तुमसे दूर कर देंगे उस इंसान को। मैंने ऐसे कई लोग सुने हैं, मेरे को कई लोगों ने आगे बताया कि साहब मेरे साथ बचपन में गलत हरकत हुई और वो इंसान आज भी मेरे घर आता जाता है। अब आप जरा सोच के देखिए, ऐसे रिश्ते किस काम के हैं जो आपके बच्चे के भविष्य को खराब कर दें, जो आपके बच्चे को दुखी कर दें, जो आपके बच्चे के दिमाग, शरीर, मन के साथ खेलें। मैं तो दावे से एक बात कह सकता हूं कि बच्चे को सामान से ज्यादा अपने माता पिता के सम्मान की जरूरत है, और वो सम्मान उनको आप ऐसे दे सकते हो, ये जो मैंने तीसरी फोटो आपको दिखाई है, टेल समवन ट्रस्टेड,
बच्चे को अगर आप ये कह देंगे ना बेटा हर बुरी मुसीबत में मैं तेरे साथ, तो बच्चे मम्मी पापा को ये बात बता देंगे। और ऐसे बहुत सारे इंसान, और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ खुद एक पिता होने के नाते, अगर हम अपने बच्चे को इस सिचुएशन में सहायता नहीं देंगे, सहयोग नहीं करेंगे, उसका कोऑपरेशन नहीं करेंगे, तो वो अंकल आंटी उसको ज्यादा ठीक लगेंगे और उसको लगेगा कि ये नॉर्मल बात है। किसी बच्चे के साथ छेड़खानी होना नॉर्मल बात नहीं है, आपने उसको नॉर्मल उसके दिमाग में बिठा दिया है क्योंकि आप ओवर रिएक्ट कर गए। इसीलिए बच्चे कई बार पापा से डरते हैं, मम्मी को बता देते हैं, क्योंकि पापा नॉर्मली हर चीज में ओवर रिएक्ट कर जाते हैं अपने काम के चक्कर में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके ओवर रिएक्ट नहीं करें, और ये चीजें अगर हमने कर ली, विश्वास मानिए किसी बच्चे को इस देश के अंदर नो गो टेल ये मंत्र बना लीजिए, नो गो टेल, नो कि जब भी कोई आदमी गलत हरकत करेगा मैं जोर से नो चिल्लाऊंगा, मैं वहां से भाग जाऊंगा, गो एंड टेल मैं अपने विश्वास के किसी व्यक्ति को बताऊंगा। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल टेक्निक बताई है, हमने पिछले साल जब ये टेक्निक कई स्कूलों में बताई हमें बड़ा अच्छा लगा, जब हमें कई टीचर्स ने बताया कि सर बच्चों ने आके हमें कहा कि साहब हमें जो बस के कंडक्टर या ड्राइवर है या लिफ्ट में जो आदमी हमारी सोसाइटी का है या फिर हमारे घर के अंदर शादी के दिन किसी अंकल ने कोई हरकत करने की कोशिश करी तो हमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया। लेकिन बच्चे नो और गो में रह जाते हैं, टेल में नहीं आते, वो हमारी कमी है, उस कमी को दूर करिए, बच्चों को ये फील कराइए। और एक बात जरूर बता दीजिए कि बैड टच लड़कों से भी आ सकता है और औरतों से भी आ सकता है, ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि केवल आदमी बैड टच करते हैं, ये बात जरूर बताइएगा। और ये वाली स्लाइड आप ध्यान से देख लीजिए, ये मैंने इसीलिए डाली है कि मैं जानता हूं कि पेरेंट्स और घर के बड़े लोगों का रवैया ऐसा होता है, मैं अभी बिजी हूं, मैं अभी ऑफिस के काम में बिजी हूं, मैं अभी अभी मोबाइल फोन पे लगी हुई हूं। बच्चा बेचारा आपको बताने की कोशिश कर रहा है, लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी, और आपको मैं यही कहूंगा बच्चों तब तक बताने की कोशिश करनी है जब तक मम्मी पापा आपकी इस बात को सुन ना लें। बिल्कुल भी ये नहीं कहना बाद में कि मैं बताने तो आया था लेकिन पापा बिजी थे, मम्मी बिजी थे। तो कीप टेलिंग टिल दे लिसन टू यू एंड एक्ट। उस इंसान को अगर उसने ज्यादा बड़ी हरकत की है तो पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं तो कम से कम अगर आपको यह लगता है कि समाज के हिसाब से, मैं पुलिस में कंप्लेंट नहीं करना चाहता लेकिन कम से कम भगवान के लिए उस आदमी को, उस औरत को अपने बच्चे के आसपास से, उसकी जिंदगी से दूर कर दीजिए। और ये बात टीचर्स भी सुन रही हैं, तो मैं टीचर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम मैं तो फोन के थ्रू एक क्लास ले रहा हूँ, 40-45 मिनट की क्लास ले रहा हूँ, आप उनके साथ पूरा साल रहेंगी, हर 3 से 6 महीने में पांच साल के बच्चों को, 7 साल के बच्चों को जो होते हैं 5 से 7-8 साल तक के बच्चे, उनको ये चीज रिपीट कर दीजिए। ये प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों को भेज दूंगा, नो गो टेल बच्चों को लगातार पढ़ाते रहिए, कीप रिपीटिंग द टॉपिक। हमें हिंदुस्तान के, राजस्थान के, भीलवाड़ा के, विजयनगर के, अजमेर के हर बच्चे को ऐसी हरकतों से अगर बचाना है, कीप रिपीटिंग द टॉपिक, बार बार ये बात रिपीट करते रहिए। आज का आखिरी मैसेज, अगर बच्चों को एक नंबर रटा दिया जाए 1098, आप ये नंबर इस तरह से रटाइएगा, ऐसे मत रटाइएगा 1098, पांचवी क्लास के बच्चे को 1000, फर्स्ट क्लास के बच्चे को 1000 पता नहीं होता, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है 1098, बच्चा उल्टी गिनती के रूप में इस नंबर को याद कर लेगा, चाइल्ड लाइन का नंबर है। अगर बच्चा अपने मम्मी पापा तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसके मम्मी पापा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, घर में कोई मेंबर नहीं है, तो उस बच्चे को ये नंबर याद कराने में कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों की हर जिले में टीम होती है, तो आप लोग बच्चों को कई बार ये नंबर, ये बच्चों को ये जरूर बता दीजिएगा कि इस नंबर को ट्राई नहीं करें। कभी पता लगा कि मेरी इस प्रेजेंटेशन के बाद बच्चों ने आपका फोन लेके ये नंबर ट्राई करना शुरू कर दिया, प्लीज ये नंबर ट्राई मत करिएगा, क्योंकि वो ये नंबर सेंसिटिव है और तुरंत टीम आ जाती है। तो इसीलिए बच्चों को इस नंबर के बारे में आप जानकारी जरूर दें। पहले तो घर के मेंबर से ही मदद मांगनी है, हमारे मम्मी से, पापा से, भैया से, घर के किसी मेंबर से ही मदद मांगिए, वो आपकी मदद कर देंगे। लेकिन अगर आपको एमरजेंसी हो गई, कोई मदद नहीं आ पा रही है या घर के मेंबर से ही दिक्कत आ रही है, तो बच्चों को ये नंबर याद कराने में कोई दिक्कत नहीं है। चाइल्ड लाइन 1098 ये 24 घंटे चलती है, नाइट एंड डे चलती है, ये बात मैं आपको बताना चाहता था। तो ये जो मेरी प्रेजेंटेशन थी, मेरी इस प्रेजेंटेशन को दिखाने का एक ही मकसद था कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि बच्चों के साथ इस तरह की हरकतें लगातार हो रही हैं और हमें इन हरकतों को अगर रोकना है, अगर हमें इस प्रकार की, जी
मेरी प्रेजेंटेशन आपने देखी, मैंने एक सिंपल प्रेजेंटेशन आपको दिखाई। इस सिंपल प्रेजेंटेशन में बच्चों ने देखा कि चार बॉडी पार्ट्स हमें याद रखने हैं कि जिस पे कोई बिना बात के टच नहीं करे। अगर कोई टच करे तो मम्मी को बता दो, पापा को बता दो, वो देख लेंगे कि क्यों कर रहे हैं। और दूसरा बेटा, आप लोगों को नो गो टेल याद रखना है। अगर कोई गलत अंकल आंटी, कोई स्ट्रेंजर, कोई गार्ड, कोई माली, कोई घर के सर्वेंट, मेड, अगर आपके साथ कोई करते हैं, अगर कोई घर के सर्वेंट आपके साथ गलत हरकत करते हैं, तो आपको अपने मम्मी पापा को जाके बताना है, वो आपकी हेल्प करेंगे। आज मैंने आपके सामने आपके मम्मी पापा को बताया है ना ये बात कि बच्चों पे विश्वास करना चाहिए, तो बच्चों पे विश्वास करना चाहिए। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं है कि क्लास में आपके दोस्त ने आपको टच किया, आप टीचर को जाके शिकायत करना शुरू करते हैं। ऐसे आप मजाक मत उड़ाना इस बात का। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा टच बैड है, कौन सा टच अनसेफ है, और उनसे हमें बचना है। और मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि वो अंकल घबरा जाएंगे जब आप जोर से नो चिल्लाएंगे ना, तो वो अंकल घबरा जाएंगे क्योंकि दूसरे कमरे से कोई रिलेटिव आ जाएगा, आप वहां से भाग जाइए। वो अंकल घबरा जाएंगे कि अब ये बच्चा जाके किसी को बताएगा, तो वो अंकल आंटी वैसे ही घबरा जाएंगे बहुत हद तक आपसे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को मेरे तीन मैसेज समझ में आए होंगे। मेरा सबसे पहला मैसेज था फोर बॉडी पार्ट्स, मेरा दूसरा मैसेज था नो गो टेल, और मेरा तीसरा मैसेज था हेल्पलाइन का नंबर 1098 1098। अगर हमें कोई मदद नहीं मिल रही है तो ये नंबर हम सब बच्चे याद रख सकते हैं कि ये नंबर से मदद मिलती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद तुरंत मिलती है, उन अंकल के खिलाफ कार्रवाई होती है, और वो अंकल भी घबरा जाएंगे कि नहीं, मुझे छोटे बच्चों के साथ इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। तो जो माँ बाप मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनको बार बार ये कहना चाह रहा हूं कि अपने बच्चे पर विश्वास करिए। उस बड़े इंसान पर विश्वास आपका है, लेकिन आपका बच्चा झूठ क्यों बोलेगा? इतनी बड़ी बात का झूठ कौन बच्चा बोलेगा? लेकिन हमें क्या लगता है, बच्चे ने गलत समझ लिया होगा, वो आदमी तो बहुत अच्छा है, वो आदमी तो बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे ने गलत समझ लिया होगा। वेरीफाई तो कर लो यार, एक बार वेरीफाई तो कर लो, इस बात को वेरीफाई कर लो, आपके बच्चे का सवाल है। तो मैं ये बात बार बार इसलिए कहता हूं कि इंडिया में 50% बच्चे कहीं ना कहीं इसको झेल रहे होते हैं। अगर आपने अपने बच्चों को आज ही मजबूत कर दिया, आज ही तैयार कर दिया, विश्वास मानिए आपके बच्चों का बचपन बहुत अच्छा रहेगा। वरना देखने के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति ऐसी गलत हरकत आपसे कर लेगा। और एक बात और बताऊं, हमें हमेशा पता क्या लगता है, ये मेरे बच्चों के साथ नहीं हो सकता। यार अगर मेरे बच्चे के साथ नहीं हो सकता, हम सबके बच्चों के साथ भी नहीं हो सकता, तो फिर ये कौन से बच्चों के साथ हो रहा है? और मैंने तो अभी देखा एक प्रोग्राम, उसमें चार लोगों में से तीन लोगों ने कहा कि बचपन में हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो आइए हम सब लोग ये कोशिश करें कि हम अपने बच्चों के साथ ये नहीं होने दें। और हमारा स्पर्श प्रोग्राम इस तरह के प्रोग्राम करता रहता है। मैंने आज मेरे सामने बैठे हुए बच्चों से बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। अनिमा बहुत ध्यान से सुन रही है, मैं देख रहा हूँ, अनिमा जैन बहुत ध्यान से मेरा सुन रही है, और अंकिता भी बहुत ध्यान से सुन रही है। अंकिता हाउ आर यू? बहुत अच्छे से सुन रही है अंकिता मजूमदार, वो भी बहुत ध्यान से सुन रही है। मुझे पक्का विश्वास है कि अगर मैं अंकिता से पूछूंगा कि बताओ अंकिता मैंने क्या बताया है, तो अंकिता आंसर कर देगी, मुझे अच्छा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। तो आपके स्कूल के बच्चे बहुत होशियार हैं। मैं प्रज्ञा स्कूल के बारे में जानता हूँ, बहुत पुराना स्कूल है और बहुत अच्छे स्पोर्ट्स एक्टिविटी और क्यूरिकुलर एक्टिविटीज भी होती हैं। विजयनगर में होने के बाद भी बड़े बड़े स्कूल्स को टक्कर देता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब भी बड़े होके बड़े ऑफिसर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, पुलिस में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पूरा विश्वास है मुझे। लेकिन वो हम तब बनेंगे जब हम किसी को अपने साथ ऐसी हरकतें नहीं करने देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब विजयनगर के बच्चों के साथ, गुलाबपुरा या आसपास के बच्चों के साथ कोई इस तरह की हरकतें नहीं करेगा, क्योंकि हमने अपने बच्चों को ट्रेंड कर लिया है। और बच्चों, मोबाइल के बारे में मैं फिर से याद दिलाऊंगा, आपको लगेगा कि ये अंकल गंदे हैं, इन्होंने मोबाइल के लिए मम्मी पापा को भड़काया है, तो आप ये मान लो कि भड़काया है, लेकिन बेटा अगर आप सही चीज के लिए फोन इस्तेमाल करते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जब मुसीबत आती है ना, जब मुसीबत आती है तो मम्मी पापा ही हमारी सबसे पहले मदद करते हैं, इसलिए मम्मी पापा की बात मानने में कोई बुराई नहीं होती है। स्ट्रेंजर से बचने में, नौकरों से भी एक डिस्टेंस मेंटेन करने में, घर में जो सामान आता है अमेजन का, फ्लिपकार्ट का या किसी भी तरह का, उसको रिसीव करने में उन्हें कभी घर के बारे में नहीं बताना चाहिए। मम्मी पापा के नंबर
अपनी मम्मी का नंबर आप क्यों शेयर करोगे यार? मुझे बताओ, आपकी मम्मी का नंबर आपको क्यों बताना चाहिए किसी भी इंसान को? आपको पापा का नंबर भी किसी को बिना बात के क्यों बताना चाहिए? तो इसलिए अच्छे बच्चे बनिए, सब तरह के बैड टच से दूर रहिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं नाउ ओवर टू दी होस्ट कि अगर आप चाहते हैं मुझे कुछ और बताना है या आप कुछ और पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है तो मैं आंसर कर सकता हूं। बाकी मेरा मेन मैसेज आज का पूरा हो गया है, तो ओवर टू प्रज्ञा स्कूल। थैंक यू सो मच सर। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर काइंड प्रेजेंस। आई विल आल्सो रिक्वेस्ट सुरेंद्र जी पिपाड़ा, सेक्रेटरी ऑफ प्रागे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, टू से फ्यू वर्ड्स। जी आदरणीय नवीन जैन साहब, डायरेक्टर प्रागे स्कूल, प्रिंसिपल, स्टाफ, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टाइम निकाल करके ये सब सुना और मैं जैन साहब का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने वो चीज़ हमारी स्कूल के बच्चों को बताई जो हम लोग नहीं बता सकते हैं। मैंने आज मेरी बेटी को भी ज्वाइन कराया, वो अपनी मदर के साथ में ज्वाइन करी है और वो भी इस चीज को सुन रही है। और सच में ये बात जो है बहुत सिंपल है लेकिन टिपिकल बहुत है। और जिस बच्चे के साथ में बचपन में ऐसा कुछ हो जाता है तो एक लंबे टाइम तक बच्चा जो है वापस से उभर कर नहीं आ पाता है। तो जो गुड टच और बैड टच के बारे में बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि जब भी आप इधर से निकलें तो हमारी स्कूल को, कॉलेज को, हॉस्पिटल को विजिट करिए और हमको और भी कोई भी सजेशंस हो तो टाइम टाइम पे आपका मिलता रहे। थैंक यू सर। जब कोरोना के बाद अपनी मूवमेंट नॉर्मल हो जाएगी, स्कूल्स वगैरह खुल जाएंगे, तो मैं बड़े बच्चों के लिए एक बार कैरियर पे भी जरूर बोलूंगा, 11th 12th के बच्चों के, अगर आपके यहाँ रहते हैं 11th 12th के बच्चे, डेफिनेटली मैं इनवाइट करूंगा। हमारे यहाँ पे प्री प्राइमरी से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक सारी फैसिलिटी है, मतलब स्कूल भी है और कॉलेज भी है। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आप यदि करते हैं तो। जी जी, थैंक यू। तो आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मेरी टीम की तरफ से। हमारी जो स्पर्श की टीम है उसमें मेरी तरह ही सारे लोग प्रेजेंटेशन देने में एक्सपर्ट हैं और हम लोगों को बड़ी खुशी मिलती है। मेरी आज का शनिवार कामयाब कर दिया आपने, आज का दिन मेरे देश के नाम कुछ तो हुआ, सोसाइटी के लिए कुछ तो किया, वरना छुट्टी थी आज। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि छुट्टी के दिन चाहे पेड़ लगाइए या कोई भी काम करिए, बट कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए जरूर करिए। हमारा देश उसी से बदलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो थैंक यू वेरी मच सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रज्ञा स्कूल बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर प्रेजेंटिंग ओवर हियर एंड वी फेल्ट ग्रेट प्लेजर टू हैव यू अमंग अस। थैंक यू सो मच सर फॉर द सेमिनार। थैंक यू।